प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जो सीरीज है वो एक एक से बराबर हुई, जिसमें पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीत हासिल करी और वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने जीत हासिल करी, और इसी के साथ जो है सीरीज एक एक से बराबर हो गई। लेकिन आपको बता दें कि भारत की दूसरी मुकाबले में जीत के बाद जो है पिच को लेकर काफी विवाद पैदा हो गए हैं, और ये विवाद जो है वो भारत की जीत के बाद काफी बढ़ गए, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और मार्क वॉन ने इस पिच को लेकर काफी आलोचना की, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने जो है करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बार पिच को लेकर ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पिच पर। ये भी उन्होंने बताया कि जब वो विदेश जाते हैं तो उन्होंने हर देश जो है अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग जो है पिच तैयार करता है। उनका यही कहना है कि खिलाड़ियों को टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करेगी उस पिच पर जो है खिलाड़ियां खेल पाए। हर टीम को उस पिच के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को तैयार करने की जरूरत होती है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्यों इस टॉपिक को, यानी कि पिच के विवाद को क्यों हमेशा उठाया जाता है। हर पिच, यानी कि जो दो मुकाबले हुए हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच, उसमें पिच एक ही पिच पर दोनों ही टीम खेली थी, और उन्हें नहीं लगता कि अब पिच में कोई बदलाव की जरूरत है। उसी के साथ उन्होंने ये बताया कि हर टीम को जो है घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने का हक है। उन्हें बहुत गुस्सा भी आया, उन्होंने करारा जवाब भी दिया इसको लेकर। उन्हें बहुत गुस्सा है कि हर बार पिच को लेकर जो है सवाल क्यों उठाए जाते हैं। दोनों ही टीम जो है वो एक ही पिच पर खेली है, यानी कि जो दो मुकाबले हुए हैं उसमें दोनों ही टीम जो थी वो एक ही पिच पर खेली है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्यों बदलाव की जरूरत है पिच में। हालांकि जो पिछली पिच थी उसमें भी टर्न था और अब जो पिच है इसमें भी टर्न है, तो उन्हें नहीं लगता कि कोई बदलाव की जरूरत है। उन्होंने एक और बात बताई कि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि लोग क्यों कहते हैं कि ऐसी पिच होनी चाहिए ऐसी नहीं। इस बार जो है पिच में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना सोचते हैं तो पिच में बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ जो है माइकल वॉन ने अब जो है इसी बात को अपनी पलट दी है, यानी कि उन्होंने इस बार सहमति दी है कि मैं रोहित शर्मा की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जी हां, माइकल वॉन पहले इसी बात को लेकर जो है बढ़ावा दे रहे थे कि पिच के, यानी कि पिच के लिए उन्होंने काफी विवाद पैदा करे, और अब जो है वो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी बात पर सहमत है। लेकिन रोहित शर्मा के करारा जवाब के बाद जो है अब सबकी बोलती बंद हो गई है, पिच में अब कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, पिच में कोई बदलाव की जरूरत है? हालांकि इस बार भी पिच में टर्न है और इस बार जो है स्पिनर्स को काफी मजबूती मिलेगी खेलने के लिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।